मणिरत्नम सर ने 40 साल पहले सोचा था कि मैं एक मूवी बनाऊंगा और उस मूवी का नाम है PS1। कल मूवी रिलीज हो गई है। कहा जा रहा है कि उस मूवी का बजट 500 करोड़ था और 150 दिन में इस मूवी की शूटिंग पूरी हो गई थी। मैंने चोल वंश के बारे में पढ़ा हुआ है, PS1 मनोवल की समरी पढ़ रखी थी, इसलिए ये मूवी मुझे समझ आ रही थी। मेरी साथ वाली सीट पर जो बैठा था उसने पूछा कि तुम्हें मूवी समझ आ रही है? मैंने कहा हाँ मुझे समझ आ रही है, और उसका जवाब था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उसने पहले से चोल वंश के बारे में जाना नहीं था, ना ही PS1 नॉवल के बारे में उसे कुछ पता था। तो मणिरत्नम सर ने ये मूवी उनके लिए लगता है बनाई है जिन्हें चोल वंश के बारे में पता है और PS1 नॉवल के बारे में पढ़ा हुआ है। जो इन दोनों चीज़ों के बारे में नहीं जानते उन्हें PS1 मूवी समझ में नहीं आती। ये मणिरत्नम सर की एक बड़ी कमी नज़र आई इस मूवी में। इस मूवी की राइटिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी और विजुअल राइटिंग को उठाने का काम करते हैं। इस मूवी में हमें भारी भरकम डायलॉग भी नहीं सुनने को मिलेंगे और ना ही लार्जर देन एक्शन देखने को मिलेगा। PS1 मूवी के किरदार रियलिटी के पास रहते हैं, अपनी सूझबूझ से चीज़ों को समझने और सुलझाने की कोशिश करते हैं। कार्तिकी का करैक्टर वल्ला वंदनीय दूसरे करैक्टरों से मिलाने का काम करता है, यानी कि इस मूवी का वो सूत्रधार है जो हमें दूसरे करैक्टरों तक लेकर जाता है, और करैक्टरों को जब वो मिलाता है तो हमें उनके अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में भी समझ में आता है। विक्रम सर के करैक्टर का नाम है आदित्य, वो किसी से प्यार करता था, उसकी शादी किसी और से हो जाती है, उसे बुलाने के लिए वो युद्ध लड़ता रहता है और कई नई नई जगहों पर जाता रहता है। वो अपनी ज़िंदगी से परेशान है और वो अपनी युद्ध में ही पूरी ज़िंदगी बताना चाहता है। ऐश्वर्या राय बच्चन मैम के करैक्टर का नाम है नंदिनी, उसे मूवी में विषम सुंदरी दिखाया गया है और वो लगती भी है ऐश्वर्या राय मैम के कारण। नंदिनी को भी पता है कि मैं सुंदर हूँ और अपनी सुंदरता के जाल में फंसा कर दूसरों से अपना काम करवाती है, उसे हर परिस्थिति को अपने हिसाब से ढाल लेती है। नंदिनी अपनी सुंदरता के जाल में लोगों को फंसाती है तो वो पुअर नहीं लगता, वो एक चालबाज करैक्टर लगता है। उसे काफ़ी अच्छे तरीके से ऐश्वर्या राय मैम ने प्ले किया है। कुंदमिनी सुंदर चोल की बेटी है और अपनी राजनीति की समझ से हर चीज़ को बदल कर रख देती है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग करैक्टर है, अपने पिता और भाइयों के खिलाफ होने वाली साजिश को रोकने में लगी रहती है और किसी हद तक साजिशों को रोकने में कामयाब भी हो जाती है। बल्ला वंदनिया पहुंचता है अरुण मुरली के पास, जिसे ओलिवियन सेल्वन भी कहा जाता है। वो स्वभाव से शांत है, अपने पिता की बात को मानता है, उसे सबसे ऊपर रखता है, उतना ही कुशल योद्धा है, लोग उसे प्यार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। सुंदर चोल बूढ़ा राजा है जो कि अपनी राजगद्दी को बचाना चाहता है, बीमारियों से घिरा हुआ है और दुश्मन भी उसके पीछे पड़े हुए हैं। और इन सभी मेन करैक्टरों के अलावा भी वल्ला मदनीय हमें दूसरे करैक्टरों से मिलाता है। पूरी मूवी इन किरदारों से मिलाने में निकल जाती है और हमें बताने में निकल जाती है कि ये कैसे सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं, पर हम इन किरदारों के साथ जुड़ नहीं पाते। जो किरदारों के साथ हो रहा होता है हम उसे फील नहीं कर पाते और हम कहीं ना कहीं इन किरदारों से कटे रहते हैं। इस मूवी की राइटिंग इतनी अच्छी है, उतना ही स्क्रीन प्ले खराब है। कई जगह पर ऐसा लगता है कि ये ज़बरदस्ती इस मूवी में सीन डाले गए हैं, इन्हें कटाकर मूवी की लेंथ भी छोटी की जा सकती थी, और कई कई जगह पर कैमरा एंगल काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। मूवी किरदारों के बारे में बताने में लगी रहती है, दूसरी चीज़ों को भूल जाती है, और मूवी में कुछ बड़ा होता भी नहीं कि जिससे एक्साइटमेंट बढ़े कि इससे आगे क्या होगा। मूवी एक ही स्पीड पर चलती रहती है और इन सभी चीज़ों का असर क्लाइमैक्स पर पड़ता है। मूवी का क्लाइमैक्स काफ़ी ख़राब लगता है। क्लाइमैक्स में बड़ी चीज़ करने की कोशिश की गई है मणिरत्नम सर की तरफ से, पर वो इफ़ेक्ट नहीं डाल पाती ऑडियंस के ऊपर, वो बिल्कुल एक सिंपल बनकर रह जाती है। इस मूवी का मुझे म्यूजिक काफ़ी अच्छा लगा और गाने भी काफ़ी अच्छे लगे। चोल फैमिली के दुश्मन घर के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। चोल फैमिली इन दुश्मनों से कैसे बच पाएगी और अपनी राजगद्दी कैसे बचा पाएगी, इसके ऊपर PS1 मूवी है। क्या सुंदर चोल अपनी राजगद्दी को बचा पाएगा और उसके बेटे उसका साथ देंगे, ये जानने के लिए आपको PS1 मूवी देखनी पड़ेगी।
PS2 अगले साल आ रही है, अब देखते हैं कि वो मूवी कैसे बनती है। आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो मैं शुरुआत में जैसे बोला था कि आपको चोल वंश के बारे में पता होना चाहिए, PS1 नॉवल की समरी के बारे में पता होना चाहिए। PS1 मूवी मुझे म्यूजिक और राइटिंग की वजह से अच्छी लगी, दूसरे डिपार्टमेंट में ये मूवी एवरेज थी। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में कुछ नया लेकर किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।